यर्मिया की किताब निकाल लीजिए, पहला अध्याय से आज हम सीखेंगे। सो यर्मिया एक याजक था और बिन्यामीन के प्रदेश के अनातोत में रहने वाला था, यरूशलेम के बिल्कुल नजदीक 3 मील की दूरी पे रहता था। और परमेश्वर इसराइलियों को चुनौती, चेतावनी, वार्निंग देने के लिए परमेश्वर यर्मिया को तैयार करता है और से बातचीत करता है। चेतावनी देना क्यों जरूरी था? क्योंकि इसराइल के लोगों का जो पाप था दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और परमेश्वर ने ये ठान लिया कि ये जो इसराइली लोग हैं और इसके आसपास के देशों में रहने वाले लोग हैं जिनके कारण इसराइली लोग पाप में गिरे हैं और दिन प्रतिदिन इनके पाप की बहुतायत बढ़ती जा रही है। परमेश्वर के क्रोध को उनके पाप ने बढ़ाया और परमेश्वर ने यह निर्णय लिया कि परमेश्वर इज़राइल को और आसपास के देश के लोगों को बंधुआई में, गुलामी में उनको भेज देगा ताकि वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं, उन्हें एहसास हो कि परमेश्वर कितना भला है उनके लिए और परमेश्वर की व्यवस्था कितनी भली है उनके लिए। और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया और वो अन्य जाति और बाकी जो संसारिक लोग थे उनके तरीके वो जीने लगे। परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहता, उन्हें समझाना चाहता है और परमेश्वर उनको बचाना चाहता है। इसलिए आप यर्मिया की किताब को अगर आप पढ़ोगे आपको ये देखने को मिलेगा कि परमेश्वर अत्यंत क्रोध में है। किसमें है? क्रोध में है, बहुत गुस्से में है। आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना, वहां पर परमेश्वर इज़राइल को बहुत अद्भुत तरीके से, अद्भुत मतलब बहुत गुस्से में उनको डांट लगाते हैं और उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि इज़राइल को वो अपनी पत्नी करके संबोधित वहां पे करता है कि तू व्यभिचारी हो गई है, तूने अन्य जाति देवताओं के सामने अपने सिर को झुकाया है, तूने पाप किया है, तूने व्यभिचार किया है। और परमेश्वर को बार बार ये कहता है कि तुम्हें इसकी सजा को भुगतना पड़ेगा और इस बात की चेतावनी देने के लिए परमेश्वर ने यर्मिया को तैयार किया। हालेलुया। परमेश्वर जो अपना काम है हमेशा अपने लोगों के द्वारा करता है। कैसे करता है? अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर अपना काम करता है और परमेश्वर अपने लोगों के मन में, अपने उनके मुख में अपने वचनों को डालता है और फिर उन्हें भेजता है कि उन जातियों के बीच में जाकर उस वचन का प्रचार करें, उनको चेतावनी वो दे। परमेश्वर अपने लोगों तक अगर संदेश पहुंचाता है तो कैसे पहुंचाता है? अपने लोगों के द्वारा। और अपने लोगों के द्वारा किस माध्यम से वो अपने लोगों को संदेश देता है? अपने स्वयं के वचन के द्वारा अपने लोगों को भेजता है अपना वचन देकर, क्योंकि वचन ही अपने उसके लोगों को तैयार करता है, उसके लोगों से बातचीत करता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का कार्य इस रीति से होना है कि अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते, जो पाप में जीवन जी रहे, उन तक प्रभु की चेतावनी पहुंचनी है तो उसके वचन के द्वारा पहुंचनी है। और वचन परमेश्वर आज हमको देता है जिसको उसने चुना है कि वो हमें इस्तेमाल करे। अगर परमेश्वर को हमें इस्तेमाल करना है इस संसार की परिस्थिति को बदलने के लिए इसके वचन के द्वारा, तो हमें क्या करने की जरूरत है? तो परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर अपने कार्य को अपने लोगों के द्वारा करता है और परमेश्वर अपने लोगों को अपने वचन से भरता है, उस वचन को अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल करता है। अगर इस प्रकार से परमेश्वर का कार्य होना है तो हमारे लिए क्या, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के लिए उपलब्ध होना है। क्या होना है? उपलब्ध होना है। और आज का विषय भी यही है कि परमेश्वर के लिए उपलब्ध हो जाए, परमेश्वर के लिए उपलब्ध हो जाए, अवेलेबल हो जाए परमेश्वर के कार्य के लिए। क्या हो जाए? उपलब्ध हो जाए, अवेलेबल हो जाए परमेश्वर के कार्य के लिए। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इज़राइल के ऊपर परमेश्वर यर्मिया को इस्तेमाल करता है और किस प्रकार यर्मिया के जीवन में प्रभु का वचन पहुंचता है और यर्मिया का प्रतिउत्तर क्या है परमेश्वर के वचन के प्रति, वो हम देखेंगे। पहला अध्याय इसका एक वचन हम पढ़ेंगे, लिखा है एक से आगे, हिल्किया के पुत्र यर्मिया के वचन जो बिन्यामीन के प्रदेश के अनादोत में रहने वाले याजकों में से था। किन में से था? याजकों में से था। तो ये एक याजक था, यर्मिया एक याजक था। दूसरे वचन लिखा, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के दिनों में, अर्थात
उसके राज्य के 13वें वर्ष में यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा और यशिया के पुत्र यहूदा के राज्य यहोयाकीम के दिनों में तथा यशिया के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिया के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी अर्थात उसी वर्ष के 5वें महीने तक पहुंचता रहा जब तक यरूशलेम वासी बंधुआई में न चले गए। उस वक्त तक यरूशलेम के लोग बंधुआई में नहीं गए थे, लेकिन परमेश्वर ने ये योजना बना ली थी कि अब जरूरी है इनकी अकल को ठिकाने लाने का जरूरी है, समय है। और परमेश्वर ने बेबीलोन के राजा को तैयार किया कि वो यरूशलेम के लोगों पर और आसपास के लोगों पर आकर राज करे, और वो बहुत क्रूर राजा था। और ये चेतावनी के रूप में परमेश्वर का वचन यर्मिया के पास पहुंचता है। 4 में लिखा है, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। और फिर 5 में देखिए, 5 में पढ़िए, गर्भ में तेरी रचना करने से पूर्व मैं तुझे जानता था और तेरे उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जाति जाति के लिए नबी नियुक्त किया है। हालेलुया। यर्मिया के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। वो वचन क्या है? परमेश्वर क्या कह रहा है? गर्भ में तेरी रचना करने से पूर्व मैं तुझे जानता था और तेरे उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। मैंने तुझे जाति जाति के लिए नबी नियुक्त किया है। ये वचन यर्मिया के पास पहुंचता है। परमेश्वर यर्मिया से बातचीत कर रहा है। यर्मिया, मैंने तुझे तेरी माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चुन लिया था, और यर्मिया तेरे उत्पन्न होने से पहले ही मैं तेरा अभिषेक कर चुका हूँ। हालेलुया। मैं तेरा अभिषेक कर चुका हूँ। जब हम इफिसियों में पढ़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया। कब चुन लिया? जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया कि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर प्रकट हो और उसके अनुग्रह की महिमा जाति जातियों के बीच में हो, कि हमारे जीवन के परिवर्तन के द्वारा आसपास के लोग परमेश्वर के अनुग्रह से रूबरू हो सके। हालेलुया। यर्मिया की बुलाहट किस वक्त उसे मिली? जब वो उसकी माता के गर्भ में रचा भी नहीं गया था, तब यर्मिया के लिए बुलाहट परमेश्वर ने तैयार की कर दी थी। हालेलुया। और उस बुलाहट को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक उसके उत्पन्न होने से पहले कर दिया था। हालेलुया। और देखिए 6 में पढ़िए, जब इस बात को यर्मिया सुनता है, यर्मिया का प्रत्युत्तर क्या है? तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं अभी बालक ही हूं। यर्मिया से कौन बात कर रहा है? परमेश्वर। और परमेश्वर यर्मिया को क्या कह रहा है? मैंने तुझे कब चुन लिया? तेरी माता की रचना, तेरी माता की गर्भ में तेरी रचना से पहले मैंने तेरा अभिषेक कब कर दिया? तेरे उत्पन्न होने से पहले। और यर्मिया क्या कह रहा है? हाय प्रभु यहोवा, डर गया है वो। हाय प्रभु यहोवा, मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं अभी बालक ही हूं। आपको पता है यर्मिया की उम्र कितनी थी? जब परमेश्वर का वचन यर्मिया के पास पहुंचा, तब यर्मिया की एज कितनी थी? आपको पता है? 17 साल, 18 साल यर्मिया की उम्र थी जब परमेश्वर का वचन यर्मिया के पास पहुंचा। कितनी उम्र थी? 17 से 18 साल। टीनेज में था वो। किसमें था? टीनेज में था। और उस टीनेज में परमेश्वर का वचन यर्मिया के पास पहुंचता है और यर्मिया कहता है, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं अभी बालक ही हूं। वो सच कह रहा है, वो बालक है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? 5 वचन, मैंने तुझे जाति जाति के लिए नबी नियुक्त कर दिया है। मैंने तुझे चुन भी लिया, तुझे बुला भी लिया था जब तू पैदा नहीं हुआ था, मैंने तेरा अभिषेक भी कर दिया जब तू उत्पन्न नहीं हुआ था, और मैंने तुझे जाति जाति पर नबी भी नियुक्त कर दिया। सब हो चुका है यर्मिया, सब हो चुका है। लेकिन यर्मिया क्या कह रहा है? परमेश्वर, हाय प्रभु यहोवा, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो अभी बच्चा ही हूं, मैं बालक ही हूं। 17 साल का यर्मिया परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है।
17 साल का 18 साल का यर्मिया परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए किसी एक उम्र की जरूरत नहीं है। हम बार बार क्यों बोलते हैं प्लीज अपने बच्चों को भेजिए टीन्स मीटिंग यूथ मीटिंग करने का मकसद क्या है कि वो परमेश्वर की आवाज को सुन सके। हम में से ऐसा कोई भी ना हो जो अपने बच्चे के बारे में ये सोचे कि इसको तो बाइबल की बातें बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ में आएंगी। समझने की बुद्धि परमेश्वर देता है। जितने हमारे बीच में टीन्स बैठे नौजवान बैठे हैं इस बात पे ध्यान कीजिए। यिर्मयाह 17-18 साल का था उसने प्रभु की आवाज को सुना। हमारे बीच में जो टीन्स और यूथ के लोग बैठे हैं अपने आप से पूछिए क्या आप प्रभु की आवाज के प्रति संवेदनशील हैं? क्या आप प्रभु की आवाज के प्रति संवेदनशील हैं? ऐसा आत्मिक हाँ माहौल बनाने के लिए भी परमेश्वर की आवाज के प्रति संवेदनशील होने के लिए एक घर के अंदर वो आत्मिक महत्व को समझने की जरूरत होती है। वो आत्मिक माहौल हमारे घर में होना जरूरी है। यिर्मयाह के कान खुले हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए और परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए उसके कान संवेदनशील हैं। हालेलुया, उसने समझ लिया, उसने सुन लिया कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। उसके घर का माहौल कैसा था? वो एक आत्मिक परमेश्वर का भय मानने वाले परिवार में सा था। वो याचक था। हालेलुया, अगर हमारे बच्चों को परमेश्वर की आवाज सुननी है और जो कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे परमेश्वर की आवाज को सुने, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे परमेश्वर की आज्ञा को माने, उसके वचन के अनुसार चल सकते हैं। अब आवाज की आवाज को सुनने के लिए संवेदनशील हो जाइए। और वो संवेदनशीलता कब आती है? जब हम उसके सामने नम्रता के साथ हर रोज घुटनों पर आते हैं अपने बच्चों के साथ। हालेलुया, तब हम परमेश्वर की आवाज के प्रति संवेदनशील होते जाते हैं। और जब परमेश्वर बुलाएगा, जब परमेश्वर हमें आवाज देगा, हम जरूर सुन पाएंगे। क्या हम उसकी आवाज के प्रति संवेदनशील हैं या फिर हमारे कान बंद हो चुके हैं? यहां पर यिर्मयाह ने आवाज तो सुनी लेकिन वो डर गया, वो भय से भर गया, कांप गया। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र छोटी है और उसकी बुलाहट बड़ी है। उसकी उम्र छोटी है लेकिन उसकी बुलाहट क्या है? बहुत बड़ी है। वो अपने अंदर क्यों डर गया, क्यों हिचकिचा रहा है, वो क्यों ऐसा नकारात्मक उत्तर परमेश्वर को दे रहा है? क्योंकि वो अपने अंदर ज्ञान की कमी को महसूस कर रहा है। वो सोच रहा है मैं तो बच्चा ही हूं, मैं तो 17 साल का हूं, मैं कैसे इस काम को कर सकता हूं? मेरे पास वो ज्ञान नहीं है, मेरे पास वो बुद्धि नहीं है, मेरे पास वो विचार नहीं है, क्योंकि मैं एक बच्चा हूं। वो अपने अंदर अनुभव की कमी को महसूस कर रहा है। वो अपने आप को देख रहा है मैं छोटा बच्चा हूं, ज्ञान की कमी है और मेरे पास तो अनुभव नहीं है, क्योंकि ऐसे काम को करने के लिए तो ज्ञान की जरूरत है, ऐसे काम को करने के लिए तो अनुभव की जरूरत है, वो मेरे पास नहीं है। यिर्मयाह अपने आप को अज्ञानी, अपने आप को साधारण, सिंपल। हालेलुया, उसको ज्ञानवान, बुद्धिमान, बड़े नाम वाले या बड़ी पहचान रखने वाले लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर को नम्र लोग चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो उसकी आवाज के प्रति संवेदनशील हो। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो उसके सामने सच्चे समर्पण के साथ में आ सके। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर की आवाज को सुन सके। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो सच्चे समर्पण के साथ प्रभु के चरणों में अपने आप को हमेशा के लिए रख दे। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो। यिर्मयाह डर रहा है यहां पर और उसका डर सच्चा है, क्योंकि हम उसके कार्य के काबिल नहीं है। उसके कार्य के करने की क्षमता सच में हमारे अंदर नहीं है। उसका डर सच्चा है लेकिन हम उस डर को, उस अज्ञानता को, उस चीज को हम बहाना ना बनाए। क्या ना बनाए? बहाना ना बनाए। यिर्मयाह डर गया। एक तो खुद को कमजोर देख रहा है। यिर्मयाह ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि भैया उसे बुलाने वाला कौन है। हालेलुया, अगर उसको ये एहसास है, उसको पता है कि परमेश्वर बुला रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि में ये बात नहीं आई
कि मुझे जो बुला रहा है वो परमेश्वर है। अगर वो मुझे बुला रहा है तो अपना काम, जिस काम के लिए बुला रहा है, वो खुद करेगा। मुझे क्या करना है? मुझे उसके लिए उपलब्ध होना है। मुझे क्या करना है? यर्मिया को क्या करना है? उसे परमेश्वर के कार्य के लिए, जो उसे करवाना चाहता है, उसके लिए उसे उपलब्ध होना है। लेकिन वो बहाना बना रहा है, वो डर रहा है। आठ वचन के पहले भाग को पढ़ेंगे ना, ऐसा लिखा है, तू उनसे भयभीत ना हो। यर्मिया सोच रहा है, इतना बड़ा काम परमेश्वर मुझे दे रहा है, मैं कैसे इन इसराइल के बड़े बड़े अगुओं के सामने जाकर चेतावनी दूंगा, मैं कैसे उन अन्य जाति लोगों के जो बड़े बड़े अगुए हैं, लीडर्स हैं, जो खतरनाक लोग, कैसे उनको बताऊंगा। वो भयभीत हो रहा है, वो डर रहा है। लेकिन उसने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, उसको बुला कौन रहा है? परमेश्वर अपना काम खुद करता है। यर्मिया को उपलब्ध होने की जरूरत थी। हालेलुया। अगर वर्तमान संसार की बात हम करें, इसराइल की जैसी ही हालत है, लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, लोग परमेश्वर से दूर चले गए हैं, लोग भांति भांति की परंपराओं में, विधि विधानों में फंस गए हैं, ऐसी ही हालत है। और परमेश्वर आज हमसे कहता है कि जाओ उनको जाके चेतावनी दो, जाओ उनको जाके मेरा वचन बताओ, जाओ उनको बताओ कि ये तुम्हारे जीवन को, जो तुम करते हो, तुम्हारे जीवन को नहीं बचा सकती, लेकिन यीशु बचा सकता है, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है। जाओ उनको बताओ। जिस प्रकार परमेश्वर ने यर्मिया को उसके जन्म से पहले बुलाहट दी, उसी तरह परमेश्वर ने हमें भी हमारे जन्म के पहले हमें बुलाहट दे दी। इस इफिसियों की किताब में पढ़ते हैं, संसार की उत्पत्ति से पहले उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के लिए उसने हमें चुन लिया। हमारी बुलाहट हमारे इस संसार में उत्पन्न पहले होने से भी पहले हमें दी गई है। हालेलुया। मसीही होना एक बुलाहट है। मसीही होना एक बुलाहट है। क्या है? बुलाहट है कि संसार के अंदर हमें बुलाहट क्या मिली है? संसार के अंदर हम ज्योति बने। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो और तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। ये हमारी बुलाहट है कि संसार में हम ज्योति बने और लोगों के जीवन के अंधकार को खत्म करें इसके वचन के द्वारा, और इस संसार के अंदर हम नमक बने, उनके जीवनों की सड़ाहट को परमेश्वर के वचन से हम दूर कर सके। लेकिन जिस प्रकार यर्मिया डर जाता है, उसी प्रकार हम भी डर जाते हैं। जिस प्रकार यर्मिया परमेश्वर को कहता, हाय प्रभु यहोवा, मैं तो बच्चा ही हूं, उसी प्रकार हम भी कई बार बहाने बनाते हैं, प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास तो ज्ञान नहीं है, मेरे पास तो बुद्धि नहीं है, मेरे पास तो ये योग्यता नहीं है, मैं इस काम के लायक नहीं हूं। सच में बात है, लेकिन योग्यता, कमी घटी जो हमारे अंदर है, उसे परमेश्वर पूरा करता है। हम बहाना बनाना छोड़ दें, बहाना बनाना छोड़ दें, परमेश्वर के लिए हम उपलब्ध हो जाएं। हालेलुया। जिस प्रकार उसने यर्मिया को बुलाहट दी है इसराइलियों के ऊपर गवाह होने के लिए, उसने हमें भी बुलाहट दी है मसीह में। जैसे कि प्रेरित किताब 1:8 में हम पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरे गवाह ठहरोगे। उसने हमें अपने गवाह बनने के लिए संसार के अंदर रखे हैं, लेकिन हम उसके गवाह बनने से इनकार करते हैं कई बार, क्योंकि हम बहाना बनाते हैं, मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है। ऐसे ही होता है ना, बहाना बनाना छोड़ दीजिए, परमेश्वर के सामने उपलब्ध हो जाइए। परमेश्वर को हमारी एबिलिटी नहीं चाहिए, परमेश्वर को हमारी अवेलेबिलिटी चाहिए। परमेश्वर की को हमारी योग्यता नहीं चाहिए, योग्यता वैसे भी नहीं है, परमेश्वर को हमारी उपलब्धता चाहिए। हालेलुया। हम हर वक्त उपलब्ध हों उसके सामने, परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं उपलब्ध हूं तेरे कार्य को करने के लिए। यर्मिया की बुलाहट अलग थी, यशाया की बुलाहट अलग थी, और यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति के पास बुलाहट है, अलग अलग बुलाहट है। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं उस कार्य के लिए को करने के लिए तैयार हूं, जो कार्य आपने मुझे दिया है, मैं उपलब्ध हूं उस काम को करने के लिए। हालेलुया। इस बात की ओर ध्यान न देते हुए कि मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, या मैं प्रचार नहीं करना आता, मुझे मुझे वचन का ज्ञान नहीं है। आप जैसे भी हैं,
परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, लेकिन परमेश्वर एक चीज की मांग करता है, वो ये है कि हम हमेशा परमेश्वर के सामने उपलब्ध रहे, उसकी आवाज के प्रति हम अपने कानों को खोल के रखें, बहाना ना बनाए, परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहें। परमेश्वर को हमारी योग्यता नहीं बल्कि हमारी उपलब्धता चाहिए। परमेश्वर अपना काम खुद करता है, हमें बस उसके हाथों का यंत्र बनने की जरूरत है, उसके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बनने की जरूरत है, इस्तेमाल वो खुद करेगा। हालेलुया। हमें से होंगे सच में ऐसे लोग, परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, शायद प्रभु की आवाज भी सुन रहे होंगे, लेकिन हमारे अंदर जो एक आवाज उठती है, नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। ये याद रखिए, आपको आवाज कौन दे रहा है, और ये याद रखिए जो कार्य आपको दिया जा रहा है वो काम किसका है। परमेश्वर अपना काम खुद करता है, हमें जो करना है वो काम ये है कि हम उसके लिए उपलब्ध रहें। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर के लिए उपलब्ध था, परमेश्वर ने उसे छोटी उम्र में इस्तेमाल किया। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर के लिए उपलब्ध था, एक जंगल के अंदर अपनी भेड़ बकरी चरा रहा था जब उसका अभिषेक करने के लिए समूएल उसके घर में उसके पिता से बात कर रहा था। छोटी उम्र में वो परमेश्वर के लिए उपलब्ध था, परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। हालेलुया। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो छोटी उम्र में जिन्होंने प्रभु के वचन को सुना और अपना जीवन उन्होंने प्रभु को दे दिया और परमेश्वर के लिए महान काम किए, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े उन्होंने काम किए, लेकिन वो बड़े काम हो पाए क्योंकि वो प्रभु के लिए उपलब्ध थे। परमेश्वर हम में से हर एक को भेजना चाहता है उन लोगों के बीच में जो लोग प्रभु से दूर हो चुके हैं, जो ऑलरेडी प्रभु से दूर हैं, कि हम उनको जाकर परमेश्वर के प्रेम अनुग्रह के बारे में उन्हें बताएं। लेकिन क्या आप परमेश्वर के इस कार्य को करने के लिए उपलब्ध हैं? अपने आप से हम एक सवाल पूछें, क्या हम परमेश्वर के कार्य के लिए उपलब्ध हैं? हम आजकल न्यूज देखते हैं, अरे वहां पर ये हो गया, परमेश्वर जगत का अंत बहुत नजदीक है ना, हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, देखो वहां पर आग ही आग हो रही है, अलग अलग जगह से वचन उठाकर बोलते हैं, देखो वहां पर ये लिखा है कि गाजा के अंदर ऐसा होगा, देखो वहां पर आग बरसाई जा रही है, परमेश्वर के इस जगत का अंत करने वाला है। परमेश्वर का जगत का इस जगत का न्याय, इस जगत का अंत कैसे होगा? जब जाति जाति के लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंच जाएगा तब अंत हो जाएगा। उस वचन को जाति जाति तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। मसीही होने का मतलब एक धार्मिक प्रवृत्ति में जीवन जीना ही नहीं है, मसीह होने का मतलब है उसकी गवाह होना, उसके अनुयायी होना और उसके पद चिन्हों पर चलकर इस संसार के लिए उसकी गवाही देना। लेकिन क्या हम उसके लिए उपलब्ध हैं? परमेश्वर के लिए जो उपलब्ध है परमेश्वर में इस्तेमाल कर ले। और देखिए साथ में लिखता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा। अब परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने तेरी माता के गर्भ में तेरी रचना से पूर्व तुझे मैं जानता हूं, तेरा अभिषेक मैंने कर दिया है, तुझे नबी नियुक्त कर दिया है। ठीक है, उसने यिर्मयाह ने क्या बोला? प्रभु, हाय प्रभु, मैं तो इस योग्य नहीं हूं, मैं तो बालक हूं, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर का प्रतिउत्तर क्या है देखिए साथ में, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं बालक हूं, मत कह कि मैं बालक हूं, क्योंकि जहां कहीं मैं तुझे भेजू वहां तू जाएगा, और जहां जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। हालेलुया। तू उनसे आठ में तू उनसे भयभीत ना हो, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये मत कह कि मैं बालक हूं, क्योंकि जहां कहीं तुझे मैं भेजूंगा, कौन भेजेगा? परमेश्वर। जहां कहीं मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। हालेलुया। उनसे भयभीत ना हो, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर अपना काम स्वयं करता है। जो कार्य परमेश्वर इज़राइल के अंदर करना चाहता है वो कार्य स्वयं परमेश्वर करेगा। खुद कह रहा है परमेश्वर, मैं तुझे भेजूंगा, तुझे वहां पे जाना है, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या बोलना है, तुझे जाके सिर्फ बोलना है। यिर्मयाह के पास क्या रह गया? यिर्मयाह को सिर्फ क्या करना है? जाना है और बोलना है। बताएगा कौन कहां जाना है? परमेश्वर।
क्या बोलना है कौन बताएगा? परमेश्वर। यर्मिया को क्या करना है? उपलब्ध रहना है। क्या रहना है? यर्मिया को सिर्फ उपलब्ध रहना है। हालेलुया। इस संसार में जो परमेश्वर कार्य करना चाहता है वो कार्य स्वयं परमेश्वर करेगा, हमें सिर्फ उपलब्ध होना है। हालेलुया। हमें सिर्फ उपलब्ध होना है, हमें सिर्फ उपस्थित होना है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर जो बुलाहट तूने मुझे दी है उस बुलाहट के अनुसार कार्य करने के लिए मैं उपलब्ध हूं। हालेलुया। मैं उपलब्ध हूं। हमें सिर्फ उपलब्ध होना है। परमेश्वर खुद हमें बताएगा हमें कहां जाना है। परमेश्वर हमें खुद बताएगा कि हमें क्या कहना है। और उनसे भयभीत ना हो, मैं तुझे छुड़ाने के लिए तुम्हारे साथ में हूं। डरने की जरूरत नहीं है। हम डरते हैं ना लोगों के बीच में जाने से। यर्मिया क्या बोला? मेरे पास अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुझे दूंगा, जो तुझे बोलना है वो मेरा काम है, मैं बताऊंगा तुझे बोलना क्या है। प्रभु मुझे इतना ज्ञान नहीं, कहां जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं, मुझे नहीं पता। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुझे जहां भेजूंगा बस तुझे वहां जाना है। लेकिन ये मत बोल कि मैं बालक हूं। हम जो परमेश्वर के सामने बहाने लगाते हैं जब हम कहते हैं मुझे तो बोलना नहीं आता, परमेश्वर हमें ये कहता है ये मत बोल कि मुझे बोलना नहीं आता। क्या बोलना है मुझे बताने की जरूरत है, मैं बताऊंगा, वो मेरी चिंता है। जब हम बोलते मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, परमेश्वर हमें ये कहता है ये मत बोल कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तू सिर्फ उपलब्ध हो, तू आ, जहां जाना है मैं बताऊंगा और जो बोलना है मैं बताऊंगा। हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है बहाने मत बनाओ, मत बोलो कि मेरे अंदर ये कमियां है, मेरे अंदर ये कमियां है, मुझे सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति चाहिए, उपलब्धता चाहिए। जब हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं, परमेश्वर एक बर्तन के रूप में हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और हम मिट्टी के बर्तन उसके हाथ में जब जाते हैं उसके अभिषेक से परिपूर्ण हो जाते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं। हम बोलते हैं हमारे पास ज्ञान नहीं है ना, उसको ज्ञानियों की जरूरत भी नहीं है, उसको जरूरत है सिर्फ उसकी जो उसके लिए तैयार है खड़ा होने के लिए। ज्ञान देना उसका खुद का काम। डर लगता है मार पिटाई हो जाएगी, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तेरे साथ में हूं। बार बार मैं इस्तेमाल शब्द जो बार बार जो आ रहा है उसका मतलब यही है, ये काम जो सेवा परमेश्वर ने हमें दी है ये परमेश्वर का खुद का काम है और परमेश्वर अपना काम खुद करता है, परमेश्वर अपना कार्य खुद करते हैं। हमें सिर्फ उपलब्ध होना है इसके लिए, वो हमारे जीवनों को इस्तेमाल करेगा जब हम उपलब्ध होंगे। हालेलुया। और नौ में देखिए क्या लिखा हुआ है, तब यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और मुझसे कहा, देख मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। क्या कर दिया है? मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। हम बोलते ना मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास ज्ञान की कमी है। हम उपलब्ध हो जाएं, जो बोलना है वो हमें उपलब्ध कराएगा, वो हमें शब्द देगा। हम ये कहते हैं मेरे अंदर योग्यता नहीं है, हम उपलब्ध हो जाएं, योग्यता स्वयं परमेश्वर हमें प्रदान करता है। हालेलुया। योग्यता खुद परमेश्वर हमें प्रदान करता है। तब यहोवा ने मेरे मुंह को छुआ और मुझसे कहा, मैंने अपना वचन, किसका वचन? अपना वचन। मैंने अब कह रहा है अपना, मैंने अपना वचन तेरे मुख में डाल दिया है। हालेलुया। परमेश्वर अपना कार्य खुद करता है। हालेलुया। और जिस कार्य को करने की जो योग्यता है वो योग्य